अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप आप सब ब्लॉग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे यहाँ पर मैं सुबह सुबह का टाइम था हमने मैंने आपके साथ लास्ट ब्लॉग में शेयर किया था कि हम लोग हॉलीडेज पर जा रहे थे और हम लोग हो भी आए हैं हॉलीडे पर से हम लोग स्विट्ज़रलैंड गए हुए थे और इंटर लेकिन स्विट्ज़रलैंड में हम इंटर लेकिन में गए हुए थे और बहुत ज़्यादा मज़ा आया गायज और ये सुबह सुबह की रात को एक दिन पहले रात को मैं ये प्रिपेयर कर रही थी हमारे लिए चिकन रैप्स बना रही थी साथ लेके जाने के लिए और क्योंकि मेरी सिस्टर भी साथ थी वो कह रही थी कि वो सैंडविचेस बना लेंगी और मुझे कह रही थी कि तुम्हें जो भी इजी लगता है वो तुम बना लेना सो मैंने सोचा कि मैं चिकन रैप्स बना लेती हूँ क्योंकि वो थोड़े से ठंडे भी हो जाए ना तो आप खा लेते हैं मज़ा आता है खाने का और फिर यहाँ पर मैं अपने कपड़े निकाल रही थी हस्बैंड के बच्चों के सबके कपड़े निकाल रही थी प्रेस करने के लिए और हमें सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना था घर से फाइव ओ हमें निकलना था घर से तो इसलिए फिर ये सब मैं रात को ही कर रही थी और जस्ट मैं टू थ्री आवर्स सो ही सोई थी और फिर अलार्म लगा दिया था क्योंकि समटाइम क्या होता है कि इतनी जल्दी आँख नहीं खुलती और गाइस स्विट्ज़रलैंड से होकर आए हम माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा टूर हमारा मज़े कर रहा है बहुत मज़ा आया हमें पहले मैंने चिकन का मसाला बना दिया था और फिर वो ठंडा होने के लिए रख दिया था तब तक के लिए हमने मैंने कपड़े प्रेस कर दिए थे हम सब के और फिर उसके बाद फिर ये बाकी का जो रैप्स को थोड़ा सा हीट अप करके थोड़ा सा पैन के ऊपर गर्म करके उसके बाद रैप्स के ऊपर पहले चिकन लगा के फिर उसके ऊपर सैलड थोड़ा सा सैलड में आप कुछ भी ले सकते हैं क्यू खमर लेटस ये ज़्यादा मेरे बच्चों को ज़्यादा टमेटोज बिल्कुल भी नहीं पसंद सैलड में तो वो निकाल देते होते हैं और फिर मैंने सोचा कि मैं बस क्यू खमर एंड लेटस ही डाल देती हूँ और यहाँ पर बस मैं वही बना रही थी और ये एक दिन पहले रात को मैंने बना दिए थे और उसके साथ फिर आ, मैंने आपको बताया था लास्ट व्लॉग में कि मैंने थर्मस फ्लास्क भी ली थी वो चाय बनाने के लिए तो फिर चाय तो ओबियसली मैंने जिस टाइम निकलना था उसके थोड़ी देर पहले ही बनानी थी और ये देखे मैंने इस तरह से फॉइल में करके रैप करके ये रख दिए थे और फिर आ, उसके बाद फिर मैंने अपने बाकी सब काम किए थे नेल पेंट वग़ैरह लगा ली थी और फिर यहाँ पर मैं रेडी हो गई थी और मैंने ये वेलवेट का शॉकिंग पिंक कलर का मैक्सी ड्रेस आज के दिन पहना हुआ था और इसके शोल्डर्स कुछ इस तरह थे ऑफ़ शोल्डर्स है ये वाला ड्रेस तो मैंने इसके नीचे फुल स्लीव्स वाली शर्ट पहन ली थी इसके नीचे आप कोई भी शर्ट पहन सकते हैं लेकिन मेरे पास शॉकिंग पिंक कलर में थी ऑलरेडी सो तो मैंने वही डाली थी और बहुत खूबसूरत ये ड्रेस लगा था मेरी सिस्टर को बहुत ज़्यादा पसंद आया था यहाँ पर गाय चाय बनाई थी मैंने आज के दिन देसी चाय बनाई थी बिकॉज़ वो ज़्यादा अच्छे से गर्म रहती है थर्मिस में भी और फिर यहाँ से हमारा सफ़र हो शुरू हो चुका था हम लोग यहाँ से निकले थे पहले मेरी सिस्टर की तरफ गए थे हम वहाँ से वो भी निकले अपनी गाड़ी में वो थे आ, मेरी सिस्टर उनके हस्बैंड उनके बच्चे दो बच्चे उनने साथ लिए थे और फाहद जो बड़े उनके बेटे हैं वो अम्मी के पास ही थे और हमारे भी तीन बच्चे थे आ, वली बब्बा थे मोहम्मद आदम थे मीरभ थी और सुबहान जो हैं वो अम्मी के ही घर थे सो so गाइस इस बार वाली जो हमारी हॉलीडे थी स्विट्जरलैंड uh, का ये जो टोर था ये बहुत 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 ही मज़ेदार था और ये हमेशा यादगार बन के रहेगा क्योंकि स्विट्ज़रलैंड है भी ऐसी जगह इसीलिए उसको दुनिया में जन्नत कहते हैं बहुत 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 खूबसूरत है और उसके साथ मैं अपनी सिस्टर के साथ गई फ़र्स्ट टाइम हम इकट्ठे हॉलीडे पर गए वैसे तो नॉर्मली हम पाकिस्तान वगैरह जाते रहते हैं लेकिन इस तरह से यूरोप वगैरह या किसी हॉलीडे किसी कंट्री में हम फर्स्ट टाइम साथ गए और बहुत ज़्यादा मज़ा आया और मेरी सिस्टर जो है हम वहाँ पे हम बातें करती रही वहाँ पे हमने अपार्टमेंट बुक किया हुआ था और फिर मेरे हस्बैंड और मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं वो बैठ के वो गप्पे वगैरह लगाते थे हम दोनों इधर बैठती थी, थी आ, आ, सिटिंग रूम में और हम वहाँ पे हम कुकिंग भी एक साथ मिल करती थी हमने काफ़ी कुछ सामान घर से भी हम यहाँ से ले गए थे ग्रोसरी वगैरह हम लोग बच्चों के स्नैक्स एंड जूसेज़ एंड काफ़ी कुछ हम यहाँ से ले गए थे फिर मेरी सिस्टर जो है वो यहाँ से मीट चिकन वगैरह भी ले गई थी क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट व्लॉग में भी स्विट्ज़रलैंड इज़ रियली रियली एक्सपेंसिव तो वहाँ पे एक आप जो घूमने के लिए जाते हैं ना वही इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और अगर आप वहाँ से कुछ बाय करते हैं ना फूड वग़ैरह लास्ट टाइम हम गए थे आ, 2019 में मी एंड माई हस्बैंड और मीरेब उस टाइम छोटी सी थी मीरेब टू मंथ्स ओल्ड थी और हम साथ अगैन सुबहान को नहीं लेकर गए थे सुबह अम्मी के पास ही थे तो फिर उस टाइम हम आ, रेस्टोरेंट वगैरह से ही खाते थे तो ये है कि बहुत 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 ज़्यादा एक्सपेंसिव है बहुत ज़्यादा फर्क है स्विट्जरलैंड इज़ रियली रियली एक्सपेंसिव लाइक यहाँ पे अगर um, कोक की बोतल वन पाउंड की है या फिर वन पाउंड थर्टी पेंस वन पाउंड फोर्टी पेंस की तो वहाँ पे अगर आप एक कोक की बोतल या फिर एक पानी की बोतल लेते हैं ना तो वो आपकी फ़ाइव पाउंड की होगी या फिर सिक्स पाउंड की आपकी कोक की एक बोतल होगी तो फिर आप सोच सकते हैं कि इट्स रियली रियली एक्सपेंसिव यहाँ पर गाइस ये वाले साथ हमने डिस्पोजेबल कप्स ले लिए थे और देखें साथ बारिश भी हो रही थी और बारिश का हसीन मौसम था और हम लोग सफ़र पे निकले हुए थे सुबह सुबह का टाइम था हम लोग तो साढ़े पाँच बजे तकरीबन मेरी सिस्टर के घर हम पहुँच गए थे फिर वहाँ से वो भी तकरीबन रेडी ही थी फिर हम यहाँ से इकट्ठे निकले थे और मैंने हल्का हल्का मेकअप कर लिया था बस थोड़ा थोड़ा Uh, और मेरी सिस्टर भी बहुत अच्छे से रेडी थी उन्होंने अपने बाल भी कर्ल किए हुए थे और फिर जब मैं गई तो वो मुझे कह रही थी कि अगर थोड़ा सा तुम पहले आगे होती तो मैं तुम्हारे भी बाल कर देती तो फिर मैंने उनको बोला कि चलो कोई नहीं हम वह, वहाँ पर जा भी हमने यही सब करना है मेकअप वगैरह करना है रेडी वगैरह होना है और गाइस हम लोग बाय रोड ही गए थे हम लोग फेरी पर गए फेरी पर बाय रोड और ये है कि बहुत बहुत लंबा सफ़र है लंदन से स्विट्ज़रलैंड का बहुत ही लंबा सफ़र है तो आ, मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा हुआ था कि चलो अगर मैं थक गया तो फिर तुम भी ड्राइव कर लेना लेकिन फिर ये था कि मैं उनको कहती रही बट वो आ, कह रहे थे कि नहीं इट्स तो ओके मैं ही चला रहा हूँ कोई बात नहीं तो फिर ये है कि मैं थोड़ी सी देर सो भी गई थी काफ़ी मैंने रेस्ट भी कर ली थी लेकिन वो तो बेचारे चलाते ही रहे थे गाड़ी इसी तरह मेरी सिस्टर भी कह रही थी कि उनके भी हस्बैंड इसी तरह वो भी चलाते रहे थे और वो भी बीच में सो भी जाती थी तो मेरा तो यही कोशिश होती थी कि मैं अपने हस्बैंड के साथ बातें करती रहूँ ताकि उनको नींद ना आए और वो भी थोड़ा सा यू you नो know, उनके लिए भी इंटरटेनिंग हो बातें करें और इस तरह लेकिन वो मुझे कह रहे थे कि इट्स ओके तो मैं अगर नींद आई है तो तुम सो जाओ तुम ये मत सोचो कि मुझे भी नींद आ जाएगी वगैरह थे मैं ओके हूँ तो यहाँ पर गाइस यहाँ पर भी पासपोर्ट वग़ैरह सब चेक होता है उसी तरह एयरपोर्ट की तरह सारा सिस्टम होता है पूरी आपकी चेकिंग होती है आपके पासपोर्ट्स पर स्टैंप लगती है और फिर उसके बाद ये हम फेरी के अंदर जा रहे थे और वहाँ पर मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाने की कोशिश की थी जहाँ से हमारे पासपोर्ट वगैरह वो देख रहे थे लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पर आप वीडियो नहीं बना सकती हालांकि मेरे हस्बैंड ने मुझे पहले मना कर दिया था कि वीडियो नहीं बनाना लेकिन फिर भी बस अब हम लोग व्लॉगर्स बन गए तो हमें होता है हर एक चीज़ की वीडियो बनाए और फिर गायज उसके बाद ये हम फेरी में आ गए थे बैठ गए थे और गायस जाते हुए मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई क्योंकि मैं सोई भी नहीं थी इतनी ज़्यादा और बस टू थ्री आवर्स में सोई थी और फिर बच्चे बच्चों को तो मैंने बहुत जल्दी सुला दिया था एक दिन पहले मैंने उनको ना लाइक एट पी एम मैंने उनको बेड में डाल दिया था क्योंकि मुझे पता था सुबह सुबह उठना पड़ेगा जल्दी तो फिर बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं लेकिन खुद मैं बिल्कुल भी नहीं सोई थी मेरे हस्बैंड भी नहीं सोए हुए थे लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड की हिम्मत है माशा उन्होंने इतनी ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव उन्होंने की और वो बिल्कुल भी मतलब कि उन्होंने एक बार भी मुझे नहीं बोला कि तुम आओ चला लो गाड़ी हालांकि मैं उनको बोलती रही और यहाँ पर मेरी काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब हुई मुझे क्योंकि जाते हुए फेरी बहुत ज़्यादा मूव हो रही थी बहुत ज़्यादा शेक कर रही थी हिल रही थी क्योंकि मौसम भी थोड़ा ऐसा था थोड़ा ख़राब था मौसम बारिश थी और बहुत ज़्यादा विंडी वेदर था तो इस वजह से फिर बहुत ज़्यादा फैरी हिल रही थी ये मैं आपको अंदर से वीडियो बना के दिखा रही हूँ ये फैरी के अंदर ये सारा आप देखें कितनी खूबसूरत इन्होंने बनाई होती है बिल्कुल ऐसे जैसे टाइटैनिक एक और आ, मिनी टाइटैनिक और गाय उसके बाद फिर यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ऊपर जा रहे थे ऊपर हम रूफ़ पे जा रहे थे डेक पर तो ये है कि वहाँ पे जब आप जाते हैं ना तो ऊपर आ, बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है आपको समंदर नज़र आता है और बहुत ही प्यारा नीले कलर का ग्रीन कलर का समंदर बहुत साफ़ सुथरा ज़रा सा भी गंद नहीं होता इसमें बहुत प्यारा नज़ारा होता है लेकिन मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी थोड़ी नहीं एक्चुअली बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हुई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा शेक करी थी और फिर मैंने अपने सिस्टर से बोला वो कह रहे थे कि पहले हम बच्चों को देखते हैं आप दोनों हो आएँ उसके बाद फिर जब आप हो आएँगे फिर मैं और मेरे हस्बैंड जाएँगे तो फिर इसलिए मैं ही माँ हस्बैंड हम लोग ऊपर गए मैंने थोड़ी सी वीडियो वगैरह बनाई टिक टॉक वगैरह के लिए और वीडियो वगैरह थोड़ी सी वहाँ पर बनाई और फिर हम नीचे आ गए थे और यहाँ पर इन्होंने काफ़ी ड्यूटी फ्री स्टाफ भी रखा होता है परफ्यूम्स वगैरह काफ़ी कुछ और चॉकलेट्स वगैरह और अंदर बच्चों के भी फ्लेंग एरिया होता है लेकिन वो अभी इन्होंने बंद किया हुआ था किसी वजह से तो आ, बच्चों का प्लेइंग एरिया भी बहुत नाइस इन्होंने उन्होंने बनाया होता है और फिर यहाँ से एम एन एम्स भी लिए थे और एम एन एम्स इन्होंने इतने एक्सपेंसिव यहाँ पे लगाए हुए थे यहाँ पर फेरी के अंदर भी तो ये है कि ये लंदन में तो आपको यहाँ यूके में चीप ही मिल जाते हैं लाइक like, ओके okay होती है उनकी प्राइस लेकिन थोड़ा सा आप बाहर निकलो ना लंदन से या फिर फेरी वग़ैरह पर या फिर इस तरह और स्विट्ज़रलैंड में तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था सब कुछ अच्छा मुझे लगा था कि बच्चों को भी इस तरह से ना थोड़ा डिज़ीनेस होगा या उनको भी थोड़ी तबीयत ख़राब होगी लेकिन बच्चे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से सेट रहे थे फेरी में और बच्चे खुश थे और बिकॉज मेरी सिस्टर के भी बच्चे थे दोनों उनकी बेटियाँ थी फजर एंड अरफा और मीरभ तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी फजर एंड अरफा को देख के ये तो इतना ज़्यादा इकट्ठे मिलकर प्ले कर रही थी और बिल्कुल ये बैठ हुई नहीं थी एक सेकेंड ये नहीं बैठी थी और फिर इस वजह से क्योंकि रात को सो भी गए थे बच्चे इनकी बेस्ट हो गई थी अच्छे से और गाय मैंने ट्रेनर्स भी पहने हुए थे मैंने लास्ट वाली अपनी वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि मैंने ट्रेनर्स बाय किए थे और वो मैंने पहने हुए थे और ये है कि आज के दिन बहुत ज़्यादा विंडी वेदर था बहुत रेनी वेदर था तो मैं काफ़ी ज़्यादा वॉम अप की हुई थी मैंने वेलवेट का ड्रेस भी पहना हुआ था और साथ ट्रेनर्स भी पहने हुए थे मेरी सिस्टर इस मुझे कह रही थी कि आ, तुमने सही ना गर्म कपड़े पहने हुए हैं और मेरी सिस्टर ने शलवार कमीज पहने हुए थे उनके बेबी पिंक कलर के शलवार में से वो वो भी बहुत ही प्यारी लग रही थी और बाल उनके मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे ना उन्होंने अपने बाल कर्ल किए हुए थे और काफ़ी अच्छा मेकअप भी उन्होंने किया हुआ था और फिर क्या ये फ्रांस था यहाँ से हमारा सारा सफर स्टार्ट हो चुका था स्विट्ज़रलैंड के लिए हम लोग जाए थे इंटर लेकिन इज़ सो 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 ब्यूटीफुल और यहाँ पर हम सर्विस पे हम रुके थे कुछ बच्चों के लिए स्टफ बाय कर रहे थे बच्चों के स्नैक्स वग़ैरह बाय कर रहे थे ऑलरेडी बच्चों के लिए बहुत कुछ बाय किया हुआ था लेकिन यहाँ से फिर बाय रहे थे और ये एम एंड एम्स मैं फिर से बाय कर रही थी क्योंकि मुझे एम एन एम्स बहुत ज़्यादा पसंद है इनके बीच में पीनट्स होते हैं ना तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी इनकी और जब आप इस तरह से सफ़र पर हो ना कहीं जा रहे हो तो ऐसी चीज़ें खाने का मज़ा भी आता है तो गायज इस बार मेरे हस्बैंड ने और ब्रदर इन लॉ ने यही प्लान किया हुआ था कि वो हमें इंटर लेकन लेकर जाएंगे और लास्ट टाइम जब लास्ट टाइम हम 2019 में गए थे तो हम जीरो गए थे और उसके बाद फिर हम जब अभी टू इयर्स अगो गए थे इटली से जब मी एंड मियनमार हस्बैंड गए थे तो हम स्विस uh, एप्स पर गए थे और वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और फिर मेरे हस्बैंड कह रहे थे इस बार हम डिफरेंट जगह पर चलते हैं ना स्विट्ज़रलैंड में हम इंटर में चलते हैं एंड इंटर इज़ सो मच ब्यूटीफुल और गायज़ वहाँ पर ये मूवी भी बनी है ना डी डी एल जे मूवी और वहाँ पर हम यही सॉन्ग्स प्ले कर रहे थे जब भी हम कहीं गाड़ी में कहीं जाते थे तो यही सॉन्ग्स मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी वही सॉन्ग्स लगा वहाँ जाके बहुत ज़्यादा ना आप मतलब बहुत मज़ा आता है बहुत प्यारे प्यारे नज़ारे हैं और बहुत ही खूबसूरत मंज़र होता है वहाँ पे आपको आ, ज़रा सा भी आपको गंदगी नज़र नहीं आती स्विट्ज़रलैंड इज़ सो मच क्लीन वहाँ पे बहुत ज़्यादा सफ़ाई है ज़रा भी गंद नहीं है यूके पहले पहले बहुत ज़्यादा साफ़ होता था लेकिन अब मैं ये कह सकती हूँ कि यूके भी थोड़ा थोड़ा रोड्स गंदा हो गया है गंदगी आपको नज़र आती है लेकिन स्विट्ज़रलैंड में आपको कोई भी गंदगी नज़र नहीं आएगी एंड गाइस यहाँ पे जाते जाते स्विट्ज़रलैंड जाते हुए बहुत से टोल प्लाजाज आते हैं जहाँ से आपको टिकट एक निकलती है और फिर आपको आगे जाके पे करना पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने चार्जेस भी रखे हुए हैं लाइक like आपको एवरी टाइम यू हैव टू पे लाइक थर्टी फाइव पाउंडस और ट्वेंटी टू पाउंडस और इस तरह के बहुत से टोल प्लाजाज आते हैं ऐसा एक टिकट निकलता है और फिर उससे आगे जब आप जाओ तो आपको पे करने पड़ते हैं तो so ये बहुत से आते हैं एक दो नहीं आते बहुत से आ ते हैं और गाय अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा इन इससे अगली वीडियो आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी अल्लाह हाफिज़